Hello everyone, welcome to my channel CSE Pathshala by Nirmal God. I hope you all are good and doing fine. In this video we gonna see an application jisme kya hoga ki aapki screen par we are pointing with the help of a mouse definitely and jo hai we are trying to get a pixel position also और उसका जो आरजीबी कलर है जहां पर मॉइस आपका पॉइंट कर रहा है स्क्रीन पर वो फाइंड आउट जो है करने वाले हैं. ओके सो दिस वी डू विद द हेल्प ऑफ अ पाइथन प्रोग्रामिंग. सो इट्स बेटर कि आपके पास जो है पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होना चाहिए पहले सिस्टम पर. सो लेट्स सी, हमें पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो मैंने आपके सामने जो है गूगल क्रोम ब्राउजर खोल रखा है, उस पर जो है गूगल ओपन करा है एंड वी गोना इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट. ओके सो हियर आई हैव टाइप पाइथन इंस्टॉल इन द गूगल सर्च और हमें जो है डाउनलोड पाइथन जो है python.org से आपको डाउनलोड करना है. आई एम यूजिंग विंडोज सिस्टम तो आई विल क्लिक ऑन विंडोज. ओके एंड माय वर्जन ऑफ विंडोज इज 8.1 तो आपके पास एंड इट्स 64 बिट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है. जो भी आपका सिस्टम कंपेटेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है आप पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए. सो आई विल सिलेक्ट विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉल. क्योंकि मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी जो है पाइथन इंस्टॉल है सो आई विल नॉट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड आई विल डायरेक्टली शो यू कि मैंने पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. सो आई हैव इंस्टॉल्ड पाइथन इन द सी ड्राइव. आपको भी जो है सी ड्राइव के अंदर पाइथन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है. सो लेट्स सी, मैं आपको बता देता हूँ. सी ड्राइव के अंदर जो है हमने पाइथन इंस्टॉल कर रखी है एंड हियर इट इज पाइथन. ओके फाइन. तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, वी गोना सी दैट एप्लीकेशन. वो कैसे हम कर पाएंगे, यू हैव टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. ओके कमांड प्रॉम्प्ट. ओके और अब आपको क्या करना है, यहाँ पाइथन जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है. सो सीडी डॉट डॉट अगेन, नाउ आई हैव जस्ट कम इनटू सी ड्राइव और यहां से हमें क्या करना है, पाइथन के अंदर जाना है. फाइन सो मैं पाइथन के अंदर आ गया हूँ. नाउ आई गोना इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. सो हाउ टू इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन, यू हैव टू यूज अ कमांड PIP इंस्टॉल माउस इन्फो. ओके ये आपको जो है इंस्टॉल करना है. वेल आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस एप्लीकेशन. ओके तो जो है मेरे पास आप आउटपुट पर देख रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके आ रहा है, लेकिन आप जब इंस्टॉल करेंगे इट मे टेक सम टाइम फॉर दिस इंस्टॉलेशन ऑफ फाइल्स फॉर माउस इंफॉर्मेशन. ओके अब क्या करना है, एक बार जब ये आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद एक कमांड और यूज करना है. दैट कमांड इज पाइथन डैश एम माउस इन्फो. ओके सो हियर इट इज. अब देखिए आपके सामने जो है एक एप्लीकेशन खुल गई है और ये एक विंडो हम देख रहे हैं. इसी के मैं आप बारे में आपसे बोल रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. और यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं, सी व्हेन आई एम मूविंग द कर्सर तो ये जहाँ कहीं भी पॉइंट कर रहा है उसकी पिक्सल के हम एक्स वाई पोजिशन, आरजीबी कलर, आरजीबी एस हेक्साडेसिमल, इट्स कलर, ये जो है हम सब बता सकते हैं. ओके सो सी लेट्स सी, आई एम जस्ट मूविंग दिस माउस ऑन द स्क्रीन एंड वेयर एवर इट हैज बीन पुट इट विल शो इट्स कलर पोजीशन आरजीबी कलर एंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके तो जो है हम एक एक करके इसके जो बटन्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. इफ यू टॉक अबाउट कॉपी एक्स वाई तो ये जो है आपका जहां भी आपका माउस पॉइंट कर रहा है ये उसकी एक्स और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके बारे में बता रहा है. इट्स 704.175 राइट नाउ. उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट कॉपी आरजीबी सो ये आपका जो कलर सिस्टम है यहाँ पर 0 से 255 के बीच में है तो ये आपका जो है रेड ग्रीन और ब्लू तीनों की जो वैल्यू है अभी करंट माउस की पोजीशन जिस पिक्सल पर पॉइंट कर रहा है उसके कलर्स ये बता रहा है यहाँ पर. ओके एंड द नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ आरजीबी
कलर। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला है कॉपी, सो इफ आई जस्ट कॉपी डाउन कॉपी एक्स वाई, तो ये जो आपका है इन थ्री फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स का डिले है यहाँ पर, और आपका जो एक्स वाई पोजिशन है वो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी यहाँ पर। इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग कॉपी आरजीबी, तो यहाँ अगेन मैं क्लिक कर देता हूँ, अगेन फ्रैक्शन ऑफ 3 सेकेंड्स का डिले है और आरजीबी कलर भी आपका जो है कॉपी हो जाएगा। एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट हेक्साडेसिमल वैल्यू, अगेन इफ आई जस्ट क्लिक इट हियर, इन 3 सेकेंड्स इट विल टेक एंड इट विल कॉपी द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ आरजीबी। एंड देयर इज वन मोर बटन जो कि यहाँ पर है ऊपर, कॉपी ऑल, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा इट विल कॉपी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, आरजीबी कलर एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ आरजीबी कलर, ईच एंड एवरी जो हमने यहाँ पर बटन लिए हैं वो सब कॉपी कर देगा। ये जो भी आपका कॉपी हुआ है ये सब कहाँ पर कॉपी हुआ है, इट विल बी कॉपीड ऑन द क्लिप बोर्ड। ओके, क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉग फाइल्स, ओके, तो लॉग एक्स वाई इफ आई जस्ट क्लिक इट हियर, सो इन 3 सेकेंड्स ये जो है आपका लॉग क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स यू आर एट प्रेजेंट 813/170 जो आपके पिक्सल पोजिशन थी यहाँ पर, ये उसने बताई है लॉग एक्स वाई पर। ओके, एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट लॉग आरजीबी, तो ये आरजीबी कलर जो है ये आप इस पर क्लिक करते हैं इस बटन पर, एंड ये आपको आरजीबी कलर भी जो है बता देगा। एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू की बात करें तो जस्ट क्लिक इट हियर, तो ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी बता देगा। नाउ इफ आई जस्ट क्लिक ऑल लॉक्स, तो ये क्या करेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ 3 सेकेंड्स ये पूरी की पूरी जो है आपका आपका जो माउस है उसको जिस पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसका आरजीबी कलर और उसका हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ओके, सो इस तरीके से जो है आई कैन कॉपी द वैल्यूज ऑल्सो एंड आई कैन ऑल्सो क्रिएट द लॉग फाइल्स ऑल्सो, ठीक है। और मैं जो है इस लॉग वैल्यूज को क्या कर सकता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर भी सेव कर सकता हूँ। सो आई कैन यूज हियर दिस बटन सेव लॉग, तो जब मैंने सेव लॉग कर दिया तो ये टेक्स्ट फाइल के हेल्प से क्या हो गया है, सेव हो चुका है। एंड इसकी जो डेस्टिनेशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको मिलेगा सी फोल्डर के अंदर मिलेगा। सो सी फोल्डर के अंदर माउस इन्फो लॉग डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल है। लेट्स सी, मैं पाइथन फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। ओके, एंड आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हियर फाइल दैट इज माउस इन्फो। ओके, सो दिस इज माउस इन्फो लॉग, ये रही आपकी माउस इन्फो लॉग, जो भी आपने सेव था वो सब आपको दिखने लग गया, जो भी लॉग फाइल से आपने, एक तो पहले आपने कोऑर्डिनेट्स चेक करे थे, फिर आपने आरजीबी कलर देखा था, फिर आपने हेक्साडेसिमल करा था, एंड फाइनली आपने ऑल लॉग जो क्रिएट करा था वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम आपकी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप स्क्रीन पर माउस को कहीं पर भी मूव कर रहे हैं एंड जहां पर भी आप पॉइंट कर रहे हैं तो उस पिक्सल की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं कि वो किस कलर का है, वो कौन सी पोजिशन पर है। एंड वाई वी आर सीइंग दिस एप्लीकेशन, क्योंकि क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके पास कई आइकॉन्स हैं। ओके, एंड इफ यू नीड टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज आइकॉन्स विच कैन बी यूज इन फर्दर पर्पजेज ऑल्सो, तो वो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी अगेन, अब जैसे कि इट डजंट मैटर कि मैं सिर्फ इसी स्क्रीन पर जो है पॉइंट कर रहा हूँ, इफ आई जस्ट पॉइंट आउट टू एनी अदर फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ वी आर हैविंग वी आर पॉइंटिंग माउस एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, कहीं पर भी यदि हम पॉइंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर पॉइंट करता हूँ एंड इफ आई वॉन्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन इन द कम्प्लीट फॉर्म ऑफ लॉग, तो आई जस्ट प्रेस F5 हियर एंड इट विल इन द फ्रैक्शन ऑफ 3 सेकेंड्स ये आपके सामने जो है उन्होंने स्क्रीन पर इस एप्लीकेशन ने डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो सो यहाँ पर आप जो है कीबोर्ड की हेल्प से, यानी कि मैंने बोला कि आप ये जो माउस है इसको कहीं पर भी स्क्रीन पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी बटन्स हैं उसमें ये भी फीचर्स दे रखे हैं कि आपको कीबोर्ड से कौन सा वाला जो है उसका रेस्पेक्टिव की को प्रेस करना है। तो फॉर कॉपी ऑल यू आर सीइंग दैट वी हैव टू प्रेस F1 हियर। ओके, इट्स F1। फॉर कॉपी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू प्रेस F2। फॉर कॉपिंग आरजीबी कलर्स यू हैव टू प्रेस F3। एंड फॉर कॉपिंग आरजीबी हेक्साडेसिमल यू हैव टू प्रेस F4। लॉग फाइल्स यदि आपको पूरी जो है करना है
save, so you have to press F5. For XY coordinates, F6 you have to press. For RGB colors, you have to press F7. And for hexadecimal RGB, you have to press F8. तो आप यहाँ पर माउस को कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हैं और रेस्पेक्टिवली जो है आप वो वाला बटन प्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम प्रेसिंग हियर F7, सो इन 3 fractions of seconds क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं 31, 31, 29 आपको यहाँ डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा. तो हमने क्या करा है आपका, ओके, आरजीबी कलर जो है वो उस पर्टिकुलर पिक्सल का यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है. ओके, तो अब आप कहीं पर भी स्क्रीन पर पॉइंट आउट करें एंड यू कैन हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पिक्सल. और ये जो लॉग इन्फॉर्मेशन है हम इसे सेव कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ. आई कैन ऑल्सो टेक स्क्रीन शॉट. ओके, तो यहाँ पर सेव स्क्रीन शॉट करके ऑप्शन है, आई कैन जस्ट क्लिक इट हियर, सेव स्क्रीन शॉट. तो ये क्या होगा, आपका पाइथन फोल्डर के अंदर ये स्क्रीन शॉट भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. सो लेट्स सी ये कहाँ पर सेव हुआ है. कमिंग टू द पाइथन फोल्डर एंड हियर इज द माउस इन्फो स्क्रीन शॉट. ओके, लेट्स क्लिक. तो आपको यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द 00 कोऑर्डिनेट, दैट मींस जो आपका एक्स ओरिजिन है उसको 00 से बताया गया है. ये जो ओरिजिन पोजीशन है ये कहाँ पर है. सी, यदि मैं कर्सर को मूव करता हूँ तो ये एक्स वाई पोजीशन जो बता रहा है, इफ आई जस्ट टेक दिस कर्सर टू द पोजीशन, दैट मींस लेफ्ट टॉप पर यदि ले जाता हूँ, तो यू कैन सी हियर इज 0.0 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. ओके, लेट्स मेक इट, लेट्स ब्रिंग इट हियर. ओके, सो दिस इज 0.0. ओके फाइन. सो आपका लेफ्ट का टॉप वाला जो पिक्सल है उसको हम 0.0 पोजीशन से डिफाइन कर रहे हैं. ओके, तो यही आपका ओरिजिन होगा और फिर जो भी मूवमेंट हो रहा है आपका यहाँ कर्सर का, उसी के रेस्पेक्टिवली यहाँ पर एक्स वाई पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या करे जा रहे हैं, शो करे जा रहे हैं. ओके, सो इट्स अ क्वाइट यूजफुल एप्लीकेशन. ओके, एंड यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं वी आर हैविंग सर्टेन बटन्स, तो कॉपी करना. ओके, यहाँ हम इनको रेस्पेक्टिवली कॉपी कर सकते हैं और इनको जो है हम लॉग फाइल्स के अंदर सेव कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. और जो इसकी कॉमन एप्लीकेशन है वो ये है कि आप जो है वॉट एवर आइकॉन्स और पिक्चर्स और इमेजेस विच हैज बीन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, आप पूरी की पूरी इसकी इंफॉर्मेशन जो है लॉग फाइल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको फर्दर वॉट एवर पर्पसेस उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.